हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज हम ग्राफ का, कल हमने यहाँ तक ग्राफ कर लिए थे। आज बच्चों हम ग्राफ की सेकेंड टाइप करेंगे। इसके अंदर बच्चों हमें कंडीशंस आर गिवन एंड वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। कंडीशंस जो होंगी इसके अंदर गिवन होंगी, गिवन कंडीशन ड्रॉ ग्राफ। हमने कंडीशन से ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बेसिकली हम दो ही ग्राफ्स तरह के यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन वाले और एक पैराबोलिक कर्व वाले। तो दोनों को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। यस बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, स्लोप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास बच्चों। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसकी कर्व कैसी बनेगी? इसकी कर्व जो हमारे पास बननी है बच्चों, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। अगर इसकी कर्व मैंने बनानी है तो इसकी कर्व बच्चों जो बनेगी वो m क्या है, पॉजिटिव, c भी क्या है, पॉजिटिव। अगर m भी पॉजिटिव है यहाँ, c भी पॉजिटिव है, तो इसकी बनेगी कुछ ऐसे। m पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग लाइन होती है, ये इंक्रीजिंग लाइन होती है। इंक्रीजिंग लाइन की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है और y इंटरसेप्ट भी इसका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये बनेंगे ऐसे। अगर बच्चों मेरे पास यहाँ पर, मैं इक्वेशंस बना लेता हूँ फटाफट, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। आप लोगों ने जल्दी जल्दी इसकी ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ये कर्व्स हैं, इनके ग्राफ्स फटाफट ड्रॉ करके देखो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस बच्चों, सबसे पहले तो ये ग्राफ देखो। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा कुछ, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम बच्चों? इसको मैंने ड्रॉ करना है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, स्लोप भी नेगेटिव, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो इसको हम बच्चों कुछ ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ये बच्चों हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, ठीक, ऐसे बस। तो ये आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अब मैं फिजिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ यही इक्वेशंस। अगर मेरे पास बच्चों हो v इज इक्वल टू यू प्लस at, ड्रॉ vt ग्राफ। vt ग्राफ हमने ड्रॉ करना है बच्चों। ये मैंने करवा चुका हूं, दोबारा फिर रिपीट करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस। v इज इक्वल टू यू प्लस at, ड्रॉ vt ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। अगर मैंने vt ड्रॉ करना है तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यस, y की जगह मेरा क्या आ गया v, x की जगह मेरा क्या आ गया t। x का जो कोफिशियंट होता है वो m, t का कोफिशियंट क्या है a, क्या है पॉजिटिव। a पॉजिटिव होने का मतलब होगा स्लोप पॉजिटिव, और c जो है u है, ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? यस बच्चों, ये हमारे पास स्लोप है। वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव। तो ये बनेगी हमारी लाइन कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन में कर देता वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो बच्चों इसमें क्या होता? अब टी का कोफिशियंट जो है ए है, वो स्लोप है। स्लोप क्या है हमारे पास? इसकी नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव हो, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, तो कुछ ऐसे ग्राफ ठीक है यहाँ तक। इसी तरह बच्चों आगे अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू ए टी, इसके अंदर y इंटरसेप्ट जीरो है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको?
वी इज इक्वल टू माइनस ए टी अगर मैंने ड्रॉ करना है तो कैसे होगा बच्चों, वो मेरे पास बनेगा कुछ वैसे ही, आपको ग्राफ बनाने सिखा रहा हूँ यहाँ पर, कुछ ठीक ऐसे हमारे पास ग्राफ्स बन जाएंगे। ओके डन, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसी तरह मैंने आपको कर्व सिखाई थी, पैराबोलिक कर्व। अगर मैं कर्व की बात करूं, आपको मैंने चार तरह की कर्व सिखाई थी। y इज इक्वल टू, ये मैं चारों कर्व्स बना रहा हूं यहां पर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक बच्चों, मैंने ये कर्व बनाई है। अब इन कर्व्स में मुझे सबसे पहले तो, अगर y इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4ax2। मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग ग्राफ बनेगा। अब इसका ग्राफ किसके अलोंग बनेगा? इसके अलोंग बनेगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू -4x2 है, y इज इक्वल टू -4x2, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो नेगेटिव का मतलब y के अलोंग बनेगा, जिसकी पावर 1 हो। एक पावर 1 है, एक पावर 2 है, जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग बनेगा, नेगेटिव है तो नीचे को बन जाएगा। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 4a हमारे पास हो जाए, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं, x इज इक्वल टू 4ay2, तो अब x की पावर 1 है बच्चों। अगर x की पावर 1 है तो मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ एक्स की पावर 1 वाई की पावर, आपने पावर देखनी है, ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को तो आप ए के भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर और वाई की पावर देखनी है, एक्स की पावर 1 है तो वो एक्स के अलोंग बनेगा ग्राफ। इसको भी अब आप के ही लिखो, वाई इज इक्वल टू के, सॉरी एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वेयर माइनस का। माइनस का मतलब क्या है बच्चों, ये एक्स के अलोंग तो बनेगा, एक्स की पावर, जिसकी पावर 1 होती है उसके अलोंग बनता है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स के अलोंग बनेगा, नेगेटिव है तो इधर हो जाएगा। ये कर्व्स आप लोगों ने बच्चों याद करनी है। ठीक, अब मैं आपको इन कर्व्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हमारे पास एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, ड्रॉ एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना है। अगर आपने इसका एक्स टी ग्राफ बच्चों ड्रॉ करना है, तो मेरे पास ये एक्स है, ये मेरे पास टी है। ठीक, अगर मैंने इसका एक्स टी ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पैराबोलिक कर्व बनेगी, नो डाउट। अब ये जो पैराबोलिक कर्व किसके अलोंग बनेगी? एक्स के अलोंग बनेगी, एक्स किधर को है? ऊपर को, यहाँ पर ना डॉटेड लाइन बना देगा जहां पर टाइम हो, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता इसलिए डॉटेड बनाएगा। ठीक है, अगर मैंने ग्राफ बनाना होता बच्चों एक्स इज इक्वल टू -1/2 at² तो कैसा बनता ग्राफ? एक्स की पावर 1 है तो एक्स के अलोंग ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ जो बन जाएगा बच्चों, हमारा ग्राफ बन जाएगा नीचे को, ये डॉटेड लाइन, क्योंकि टाइम एक्सिस है नेगेटिव नहीं होता इसलिए मैंने डॉटेड बना दिया। ठीक, यहां तक। इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये सारे ग्राफ्स करवाए हुए हैं। अगर x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हो जाए तो क्या करेंगे? ड्रॉ एक्स टी ग्राफ। मैंने आपको इसका ड्रॉ करने का तरीका बताया था, आपने क्या करना है? देखो यहाँ पर ut भी आ गया, हाफ ए टी स्क्वेयर भी आ गया। अगर हाफ ए टी स्क्वेयर को भूल जाओ तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पासिंग थ्रू होरिजन। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो एक्स एक्सिस के अलोंग बन जाएगा, है ना, पैराबोलिक कर्व बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर किसकी है? टाइम की हाईएस्ट पावर, टी की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मीन्स ये पैराबोलिक कर्व ही बनेगी। अब पैराबोलिक कर्व बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, विदाउट यूटी, अगर यूटी ना होता, विदाउट यूटी, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, ये तो आपने बना देना था फटाफट ऐसे कुछ ग्राफ। लो बच्चों, ये आपने बना दिया कुछ ऐसे फटाफट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन विद यूटी बनाना है, अगर हमने ये, आप रफ बनाकर देख लिया करो, इसको बोलते हैं रफ डायग्राम, हमने बना लिया एक बार। ठीक है, अब हमने विद यूटी बनाना है, तो आपने पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, टी यू प्लस हाफ ए टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0,
यू इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी, तो टी इज इक्वल टू माइनस टू यू बाय ए, ये आ गया हमारे पास, टी इज इक्वल टू माइनस टू यू बाय ए। तो ये जो ग्राफ बच्चों बना है हमारा एक्स टी ग्राफ, कुछ हमारा शिफ्ट हो जाएगा, टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू माइनस टू यू अपॉन ए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सारा डॉटेड होएगा बच्चों, यहाँ टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ बनाने आते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं आज के, ये मैंने बेसिक आपको रिवाइज करवाया। नाउ राइट डाउन क्वेश्चंस, जो हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे, क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले तो एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू प्लस ए, यू इज इक्वल टू 0, ड्रॉ एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ। ये तीनों ग्राफ हमने ड्रॉ करने हैं। सॉल्यूशन बच्चों, हमारे पास इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए हमने तीन इक्वेशंस यूज करनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र टू ए एस, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यूज करके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले तो बात, हमारे पास अगर ये एस ये होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र की मैं बात करूं बच्चों, एस जो होता है ये एक्स इनिशियल फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब टी 0 पर एक्स 0 दिया हुआ है, ठीक है, फाइनल मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। यू इनिशियल हमें कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, हाफ ए टी स्क्र, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र। बच्चों ये तो ग्राफ ही बहुत इजी हो गया, दिस ग्राफ, ये तो हमने ड्रॉ करना सीखा ही हुआ है। कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक्स टी ग्राफ हो गया। अगर मैंने वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी टी ग्राफ के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है बच्चों। यू हमारे पास कितना है बच्चों, यू 0 है, वी प्लस ए टी, तो वी इज इक्वल टू ए टी हुआ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वी एंड टी का, इसका बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनाना है हमारे पास, अगर हम बनाएंगे तो ये स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो वो लाइन कैसे बनती है वीटी ग्राफ की, आपको मैंने बता ही हुआ है, ऐसे बनती है वीटी ग्राफ। अगर मैंने इसका एटी ग्राफ बनाना है बच्चों, एटी ग्राफ, तो ए तो हमें सीधा ही पॉजिटिव दिया हुआ है, ए तो हमें गिवन है पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट। इट मीन्स अगर ए हमें पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट बच्चों दिया हुआ है, तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ ए पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो ये तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, ये ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट ड्रॉ कर लिया हमने। इसी तरह और ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करो, टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स जो दिया हुआ एक्स नॉट, ए जो दिया हुआ प्लस ए एंड कांस्टेंट, पिछली बार में भी कांस्टेंट लिख लेना, यू 0 है, इनिशियल स्पीड, ड्रॉ एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ, तीनों ग्राफ फिर आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर तीनों ग्राफ बच्चों ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बात करूं, एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इसको मैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र लिख सकता हूँ। यस बच्चों बताओ, एक्स इनिशियल कितना है हमारे पास बच्चों, एक्स इनिशियल है एक्स नॉट, फाइनल को मैं एक्स मान लेता हूँ, यू टी यू को मैं मान लेता हूँ 0, हाफ ए टी स्क्र, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्र। यस बच्चों, या मैं इसको देख लूँ, इसको देख लो आप, इसको ना कुछ देर के लिए कैपिटल एक्स मान लो, हाफ ए टी स्क्र। अगर मैं कैपिटल एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो बच्चों ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, बट मुझे स्मॉल एक्स की बात कर रहा है। आप अगर स्मॉल एक्स की बात कर रहे हैं ना, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्स नॉट से स्टार्ट होगा, यानी ये यहां से नहीं स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो एक्स टी ग्राफ आपका बच्चों कुछ बन जाएगा, ये एक्स है,
ये टी है आपका एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यस बच्चों एनी डाउट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास एक्स टी के बाद वी टी ग्राफ की बात करूं, वी इज इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी। यू हमें जीरो दिया हुआ है तो वी इज इक्वल टू ए टी, वो तो हमने पीछे भी ड्रॉ किया था। ये वी है ये मेरा ए टी है तो ये ग्राफ कुछ बन जाएगा ऐसा। इसी तरह ए टी ग्राफ, ए तो हमें पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। अगर ए हमें पॉजिटिव एंड बच्चों कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो इनिशियल स्पीड जो है यू पॉजिटिव ए पॉजिटिव ड्रॉ एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ, एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। अब हमें u पॉजिटिव दे दी, पहले हमें u जीरो थी अब u पॉजिटिव दे दी बस। एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ, सबसे पहले तो जल्दी से अगर हम स्टार्ट करें बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हेटी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, इसको मैं x फाइनल माइनस x इनिशियल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस, x इनिशियल जीरो हुआ, x फाइनल को x माना, u जो हो गया यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका तो ग्राफ अभी हमने बनाना सिखाया ही है। यस बच्चों, इसका ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में अभी स्टार्टिंग में सीखा था। एक्स टी ग्राफ अगर मैंने बनाना है, x इज इक्वल टू क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं विदाउट यू टी, बिना यू टी के तो ग्राफ कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन ये मुझे विद यू टी बनाना है, विद यू टी बनाने के लिए x की वैल्यू जीरो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t मैंने बाहर निकाल लिया u हाफ ए टी, तो t इज इक्वल टू जीरो u इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी, t इज इक्वल टू माइनस टू यू अपॉन ए। तो बच्चों ये जो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, t की वैल्यू जीरो और t की वैल्यू माइनस टू यू बाय ए कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा हमारा ये जो ग्राफ है। ठीक बच्चों यहां तक। अगर मैंने वी टी ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर वी टी ग्राफ की मैं बात करूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी टी ग्राफ की अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू हमारे पास कितना है, u दिया हुआ है तो u u है, a a पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ अगर मैंने बनाना है वी टी ग्राफ का कंपेयर विद y y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या है a पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो मैं इसको कुछ बना लूंगा ग्राफ को ऐसे, ये मेरा u हो गया। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा कुछ हमारा। ओके, अगर मैं at ग्राफ बनाना चाहता हूँ बच्चों, ए टी ग्राफ की मैं बात करूं तो ए टी ग्राफ में हमारे पास ए जो है वो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ही बनेगा बच्चों, पहले जैसा ही ग्राफ बन जाएगा ये लो। ठीक, यहां तक देखो, अगर आपको इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन कर ले सो दैट हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो यू माइनस यू ए जो है प्लस ए एंड कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ड्रॉ एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं बच्चों। अगर मैं यहां पर बच्चों बात करूं, सबसे पहले तो हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं इसको एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही लिखूंगा, ये मैं इसको जीरो एक्स मान लू, यू टी यू की वैल्यू माइनस यू हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया ग्राफ। ठीक, यहां तक।
अगर ये हमारे पास ग्राफ बन गया बच्चों, आप बच्चों ऐसे करो, इसमें यू को पॉजिटिव मान लो, ए को नेगेटिव मान लो, फिर नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, ऐसे कर लो, थोड़ा सा ग्राफ करने में मजा आएगा हमें। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है विदाउट यूटी। विदाउट यूटी क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स है ये टी है, विदाउट यूटी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। विद यूटी, अगर मैं विद यूटी बनाना चाहता हूं, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू जीरो, यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ये हो जाएगा। यस, टी बार यू माइनस हाफ ए टी, टी जीरो हो गया, यू इज इक्वल टू हाफ ए टी हो गया, टी इज इक्वल टू यू बाई ए हो गया। तो ये दो टाइम होगी, यानी ये ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ शिफ्ट होके कैसे बन जाएगा, एक्स टी बच्चों, ये यहाँ टी की वैल्यू आ गई जीरो और टी की वैल्यू आ गई टू यू बाई ए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, आगे वीटी और एटी ग्राफ तो आपको सेम ही बनेगा उसका, इसका वीटी ग्राफ वही बनेगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस वीटी ड्रॉ कर देता हूँ, वी इज इक्वल टू यू माइनस एटी, स्लोप जो बनेगी नेगेटिव होगी, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। बच्चों कैसे बनती है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऐसे बनती है। एक्सेलेरेशन जो है नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट है, तो इसका एटी ग्राफ बच्चों जो बनना है वो ऐसे बन जाना है, ये माइनस ए है। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों चले आगे, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से, ड्रॉ एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ। हमने ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ। सॉल्यूशन, यू कितनी दी हुई है बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड। ए किधर लगेगी, ऑब्वियसली नीचे लगेगी, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स क्या है, जीरो। एस क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता था। इसको मैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। आगे से मैं ये डायरेक्ट यूज करा करूंगा, इसमें मैं एक्स पुट कर लूँ, ये जीरो है, यू मेरे पास 50 है, टाइम जो है टी इनिशियल, इनिशियल ही है ये टाइम, बाद में नहीं जीरो पुट करना। तो इसको यू 50 टी माइनस जो हमारे पास जी है 10, ए की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 बाय 2 यानी ये बन गया 5 टी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 50 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ये चीज बन गई हमारे पास बच्चों। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब विदाउट अगर मैं बात करूं 50t, तो x इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, वो तो आप बना ही दोगे, बड़े इजीली बना दोगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, तो इसका ग्राफ किधर को बन जाएगा बच्चों, एक्स टी ग्राफ अगर हमारे पास ऐसा है तो x के अलोंग नेगेटिव। लेकिन विद यू 50t है, अगर मैं विद 50t की बात करूं, विद 50t की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमारे पास पुट x इज इक्वल टू जीरो 50t माइनस 5t स्क्वायर, जीरो 5 बाहर निकाल लिया 5t, 10 माइनस टी, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू 10। तो इसका जो बच्चों ग्राफ बनेगा, अब हमारे पास इसका जो ग्राफ बन जाएगा, ये एक्स है, ये टी है, ये टी की वैल्यू जीरो है, ये टी की वैल्यू 10 है, कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा बच्चों, ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। यस, अगर मैं वी टी ग्राफ की बात करूं बच्चों, वी टी ग्राफ की, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वी 50 दिया हुआ है हमें, यू माइनस 10 टी। ठीक, इसका जो ग्राफ मैंने बनाना है बच्चों, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, स्लोप नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव हुआ 50
और स्लोप नेगेटिव, ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये कौन सा होता था, बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो करना था, वो वाला मोशन है। ठीक है बच्चों, एक बात और, अगर मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं स्पीड टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये तो मैंने करवाई दिया था, स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाना हो ये ऐसे बन जाता है। थर्ड वाला एटी ग्राफ, एटी ग्राफ ए कितना है, -10। -10 का मतलब जो एटी ग्राफ डिनोमिनेटर से नीचे कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक बच्चों, यहां तक देखो आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट, क्लियर है सारा कुछ बच्चों? एक बात और, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर मैं इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये ऐसे बना है, अगर मैं इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये पोजीशन है यानी डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि इसको तो भूल दो नेगेटिव को। आप ये वाला पार्ट देखो, ये वाला ठीक है बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्टेंस भी पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी 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 सॉरी, इसका बोल तो ये देखो, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता बच्चों। अगर मैंने इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो ये डिक्रीज नहीं होगा, ये उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बन जाएगा। ठीक है यहां तक, ओके ओके बच्चों, चलें आगे। इसके बाद में अगर बात करूं, हमने एक और लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ और एरिया अंडर द ग्राफ। बच्चों ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप करवाया, ठीक है, ड्रॉ एक्सटी वीटी एंड एटी ग्राफ, ये चीज आपने ड्रॉ करनी है, एक्सटी वीटी एंड एटी ग्राफ। ठीक, अगर मैं बात करूं तो ड्रॉप जब किसी भी चीज को करते हैं जीरो, अब बॉडी भी इधर को जा रही है, एक्सेलरेशन भी इधर को, तो हम इसको मानेंगे पॉजिटिव। तुम्हें पता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास एच है, फाइनली यहां पर चला जाएगा, ओरिजिन पर आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा एच आ जाएगा, यू जीरो हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ मैं इसको एच भी मान सकता हूँ, एक्स भी मान सकता हूँ, वो आपकी विश है, एच और एक्स भी मान सकते हैं इसको, ठीक है, और एक्स लिख लो चाहे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। वी टी ग्राफ की मैं बात करूं, वी टी ग्राफ की वो हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो ए टी, तो वी इज इक्वल टू जी, जी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। आगे मैं अगर ए टी ग्राफ बच्चों इसका ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा, ए टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, यस बच्चों ए टी ग्राफ क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू प्लस जी है, तो प्लस जी का मतलब 10 कांस्टेंट। दैट्स ऑल बच्चों, आज का लेक्चर हमारा हुआ फिनिश। अगर आप घर से एक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि हमने बॉडी को थ्रो किया है अपवर्ड विद 50 मीटर हाइट, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉ एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ, ये आपने करने हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, आज का लेक्चर हुआ हमारा खत्म।